हेलो फ्रेंड्स, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का कंटिन्यू सीरीज चालू कर रखे हैं। सो चलिए आज आगे के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ आपके लिए। ठीक, पहला क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड लिक के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1856 में रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होप वुमेन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन। म्यांमार जिसे बर्मा, पुराना नाम बर्मा है, की मुद्रा कौन सी है? क्याता। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल पे। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिष्कर्षण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल भूटान से मिलती है? सिक्किम। नाथुरल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। 2012 में अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस बीच हुआ? 1916 में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठों अहमद खान के बीच। आरबीआई के नए नियमों अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितनी होगी? 3 माह। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 7 वाराणसी से कन्याकुमारी।